देखिए बैट्समैन हैज़ एवरेज ऑफ 40 रन्स इन 5 इनिंग्स, हाउ मैनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन 6 इनिंग, रेस इज एवरेज 250। एक बैट्समैन है जिसका एवरेज 40 रन्स है पहली 5 इनिंग्स में, तो बताओ कितना स्कोर करे वो छठे इनिंग में कि उसका एवरेज जो है वो कितना हो जाए, 50 हो जाए। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, 40 रन्स एवरेज 5 इनिंग, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 200, तो छठे इनिंग में कितना स्कोर करें, 6 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से 300 आंसर। फर्स्ट में आया हुआ एवरेज का आखिर सवाल लिखा है, 5 मैन हैव एन एवरेज ऑफ 150 पॉइंट्स, यार 5 मैन है इनका एवरेज बन रहा है 150 पॉइंट। हाँ पॉइंट हो सकता है, केजी नहीं है भाई, केजी होता तो बस अल्लाह खैर करे। 3 बॉय हैव एवरेज वेट ऑफ 60 पाउंड, अरे 3 का तो सिर्फ 60 है, सो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर ग्रुप। अच्छा 5 का एवरेज 150, 3 का एवरेज 60, तो पूरे ग्रुप का क्या होगा। तो देखो बहुत सारे फार्मूले, एक तो होता है कि अगर समझ आइए तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर मुराद यानी जैसे कि एवरेज 150 कितने लोगों का है, 5 लोगों का, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 5 ठीक है 750, ये तो इन 5 लोगों का वेट आ गया। और 3 बॉयज का कितना है जी, आगे 3 बॉयज, तो नंबर की जगह 3 और फिर वही बात है एवरेज क्या 60 60 3 180, 180 को प्लस कर दो 750 में 930, और यहाँ 5 + 3 = 8, टोटल स्टूडेंट तो 8 है ना, 930 को 8 से डिवाइड कर दो एवरेज का, भाई यही बात है ना, सम जो है उसको नंबर से डिवाइड करता हूँ। वैसे अर्थमेटिक मीन के फार्मूले से भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला याद ना रहे तो सिंपल लॉजिक ध्यान में रखो यार कि भाई 5 लोगों का तो एवरेज 150 है, तो 750 वेट तो ये हो गया, 3 का 60 है 180 हो गया, टोटल 750 + 180 930, टोटल लोग 8 हो गए, 930 को 8 से डिवाइड कर दो।